नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर के अब एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को बताया जा रहा है कि आपके सूत्रों ने जारी किया है। और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी के साथ वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। जो वीडियो अब सामने आया है वो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में स्वाति को सुरक्षाकर्मी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए स्वाति मालीवाल 3 सुरक्षाकर्मियों के साथ वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है जब सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। हालांकि कुछ महिला जो सुरक्षाकर्मी है उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो आपके सूत्र हैं उनके जरिए ये वीडियो जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को जारी किया गया है तो इसका कोई ना कोई मकसद भी होगा। और इस पूरी घटना को लेकर के उधर विभव ने भी ईमेल के जरिए आरोप लगाए हैं, शिकायत की है कि उन्होंने किसी भी तरीके से इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर के आरोप ये भी लगाया जा रहा है इस वीडियो को लेकर के। आप ये कह रही है कि देखिए किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ अगर मारपीट हुई रहती तो वो बड़ी आसानी के साथ घर से बाहर निकलती हुई। हालांकि इस बीच अपडेट एक ये भी है कि स्वाति मालीवाल का जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी अब सामने आई है। और मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उनके दाहिने गाल पर चोट के निशान है और उसके साथ साथ पैर में भी चोट के निशान मिले हैं। तो अब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट के आने के साथ साथ जो ये मामला है वो और गंभीर होता जा रहा है। तो 13 मई का जो नया वीडियो सामने आया है वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल के पीए पर बड़ा आरोप है। हालांकि अब तक सामने विभव नहीं आए हैं, ईमेल के जरिए ही अपनी बात उन्होंने रखी है और स्वाति मालीवाल पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीर सामने आई है, जो आपके सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। एक और वीडियो सामने आया था जहां पर सीएम हाउस के अंदर का जो ड्राइंग रूम है वहां की भी एक तस्वीर सामने आई थी, जहां पर वो सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करती है और थोड़ी नोकझोंक भी वहां पर नजर आती है। लेकिन मारपीट का अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है। बस एंट्री और एग्जिट की कुछ जो तस्वीर है वो सामने आई है कि इस पूरी घटना के बाद से फिर कैसे इस पूरे मामले को रिपोर्ट किया जाता है। स्वाति मालीवाल की तरफ से मेडिकल चेकअप जो है वो कराया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दो जगहों पर उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। और देखिए स्वाति मालीवाल से इस बदसलूकी मारपीट मामले को लेकर के जांच का जो दायरा है वो आगे ज्यादा बढ़ गया है। और बताया जा रहा है कि इस सीन को फिर से रिक्रिएट सीएम हाउस पर किया गया है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के घर में 13 मई की घटना का रिक्रिएशन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस के साथ सीएम आवास स्वाति मालीवाल गई थी और स्वाति मालीवाल की मौजूदगी में ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। और ऐसे में यह जानने की जांच टीम कोशिश कर रही कि क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, उसमें सच्चाई कितनी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आप स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में सीन का रिक्रिएशन। अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट। अरविंद केजरीवाल के घर पर स्टाफ से हुई पूछताछ। तेरह मई और फिर 17 मई, यानी 4 दिन के अंदर स्वाति मालीवाल को फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाना पड़ा। ये वही जगह थी जहां से दावा किया गया कि 13 मई को स्वाति मालीवाल करहाते हुए बाहर निकली थी। लेकिन अब 4 दिन बाद फिर से दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के उस दावे का सच जानने के लिए दिल्ली के सीएम आवास पर ले गई, जहां वो एक बार फिर लंगड़ाकर चलते दिखाई दी। और स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:25 पर सीएम आवास में दाखिल हुई। इस दौरान पुलिस ने 13 मई को हुई घटना का पता लगाने की कोशिश की। करीब 40 मिनट बीत जाने के बाद पुलिस स्वाति मालीवाल को 7:05 पर बाहर लेकर निकली।
आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जो एक महिला सांसद हैं राज्यसभा से, वो इस वक्त जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पहुंच चुकी हैं। वो लंगड़ा के चल रही हैं और दो महिला पुलिसकर्मी और जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ हैं वो खुद जो है उन्हें यहां पर रिसीव करने आई हैं। आप देख सकते हैं स्वाति ट्रॉमा में और किस तरह से वसूली की जो है वो उनसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो विभव है, जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं उन्होंने किए, और अब जो स्वाति मालीवाल है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। स्वाति मालीवाल को अब दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर लेके निकली है। सीएम हाउस से आप देख सकते हैं एसएचओ सिविल लाइन मौजूद हैं, एक महिला साथी जो है स्वाति मालीवाल की वो मौजूद हैं, और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के सीएम आवास में 40 मिनट के सीन रिक्रिएशन में दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को उस ड्राइंग रूम में ले गई जहाँ उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई थी। ड्राइंग रूम में दिल्ली पुलिस ने उस सोफे को भी देखा जिस पर 13 मई को स्वाति मालीवाल बैठी थी। सोफे से कितनी दूर पर टेबल था और आरोपी विभव कुमार कहां से आए थे इसकी जानकारी ली गई। इसके साथ ही किस जगह पर मारपीट हुई और स्वाति को कैसे मारा और उन्हें कैसे धक्का दिया गया इसका भी रिक्रिएशन हुआ। यही नहीं, सीएम हाउस के सिक्योरिटी हेड से 13 मई को सीएम हाउस में मौजूद पुलिसकर्मियों की डिटेल्स मांगी गई और सभी स्टाफ के बयान दिए गए। खबर ये भी है कि जिस समय पुलिस स्वाति के साथ ड्राइंग रूम की मैपिंग कर रही थी उस समय स्वाति से पूछा गया कि 13 मई को बदसलूकी के वक्त कितने लोग ड्राइंग रूम में थे और कौन शख्स किस जगह खड़ा था। इसके साथ ही स्वाति से ये भी पूछा गया कि उनके साथ मारपीट कैसे हुई। दावा ये भी है कि 40 मिनट के सीन रिक्रिएशन के समय स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक एक डिटेल दी। दिल्ली के सीएम आवास के अंदर जांच के दौरान दोनों गेट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का भी रिक्रिएशन किया गया। वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फोटोग्राफी की गई। स्वाति मालीवाल किस कैमरे में रिकॉर्ड हुई होंगी ये सब जानने के लिए वहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको मार्क किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर जिस सीसीटीवी फुटेज की जरूरत हो वो ली जा सके। हालांकि इस बीच स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सीएम आवास के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि कुछ एंट्री एग्जिट पर लगे सीसीटीवी कैमरों का डंप भी जांच टीम लेकर गई है। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वीडियो वायरल है जो 13 मई को सीएम आवास के भीतर का बताया गया। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रहे हैं अभी अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। स्वाति मालीवाल की एफआईआर के मुताबिक ये वीडियो उनसे मारपीट की घटना के तुरंत बाद का है। ये वीडियो तब का है जब स्वाति मालीवाल पुलिस को फोन कर चुकी थी। इस वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी ने स्वाति को बीजेपी का मोहरा बता दिया। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के आरोपों पर जब स्वाति मालीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वाति मैम कुछ कहना चाहेंगी? मैम कुछ कहना चाहेंगी मैम? आतिशी जी पीसी कर रही हैं अभी एक्सपोज करने के लिए, एक बार बोल दीजिए मैम कुछ। स्वाति जी कुछ कहना चाहेंगी? इस बीच दिल्ली के सीएम के पीए विभव कुमार ने भी स्वाति के खिलाफ ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई, जबकि विभव के ऊपर स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप हैं। आरोप है कि विभव ने 13 मई को स्वाति से मारपीट की, उसके 3 दिन बाद यानी 16 मई को पुलिस स्वाति के घर पहुंची और बयान दर्ज किया और स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उस एफआईआर में स्वाति ने ये लिखा कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। विभव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया। इस बीच स्वाति मालीवाल के बाकी तेवर भी सामने आए। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर डीपी बदल दी। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से जेल का जवाब बोर्ड से कैंपेन के तहत लगाई अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी।